मेरी माँ की आठ सखियाँ हैं, आठों सखियाँ भगवान के बारे में आठ भाव प्रदर्शित करती हैं। सखा लोग लग लिए, नगर दर्शन कराते 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 जब राजमहल की ओर गए, एक सखी भगवान के छवि की तुलना करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित कराने वाले भाव से करती, दूसरी सखी ने नाम परिचय बताया, तीसरी ने कहा महाराज यदि देख लें तो प्रतिज्ञा भूल करके सांवले वाले से श्री जी का विवाह ठान देंगे, चौथी ने कुछ कहा, पांचवीं ने कुछ, छठवीं ने कुछ, सातवीं ने कहा देखो धैर्य धारण करो, भगवान ब्रह्मा ने हमारे भाग्य में कुछ भी पुण्य अब तक एकत्र किया होगा तो ये जो सांवले वाले हैं इन्हीं के कर से धनुष टूटेगा। एक सखी ने अपना तर्क दिया, धनुष बड़ा कठोर है कैसे तोड़ेंगे, तो आठवीं सखी कहती है देखो मैंने ऐसा सुना है कि इन्होंने शतानंद जी महाराज की मैया अहल्या जी का उद्धार कर दिया चरण अर्ज स्पर्श करा के, ताड़का सुबाह को भस्म कर दिया मारकर, कहते हैं पूरी आसुरी सेना का संहार कर दिए, ये देखने में छोटे हैं बड़े बड़े वीर, भगवान ब्रह्मा कृपा करें तो ये सुंदर सुयोग बने, सखियों का भाव अलग अलग ही हर सही बरस ही सुमन समझ सुनो चल ही जहाँ जहाँ सखियाँ पुष्प वृष्टि करते हुए कहती हैं कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी पोरिया कनी और मनो अखिया में बसती मधुर चोरिया, अखिया में चोरिया कने हेरी रे
बसिए राम जल जबिलो चल की कोरिया जल जबिलो चल की कोरिया सही बर सही सुमन सुमुख सुलो जाह जहां जहां तो जहां जहां दोनों भैया जा रहे हैं आनंद नहीं परमानंद हो रहा है। जहां जाइए आनंद ही आनंद बरसाइए, खटखट न बरसाइए। जहां जाइए देखिए एक बात बड़ी विचित्र है, हम लोग तो नौ दिन में घर द्वार आंगन किचन पूजा घर सब बदल लेते हैं। अब हम लोगों को क्या कहें, लोग किराए का मकान जब बदलते हैं घर बदलते हैं तो बड़ा तनाव में रहते हैं, और यहाँ हर नौ दिन बाद घर बदलना है, बिस्तर बदलना है, किचन बदलना है और आदमी भी बदलना है। वहाँ गए तो लंबी नाक वाले थे, यहाँ तो दबी नाक वाले हैं। वहां मालिक पुरुष था, यहां माताएं मालिक है। ए मिस्टर आगे बढ़ना नहीं, काहे नहीं आगे नहीं जा सकते, पीछे पीछे भी नहीं, जहां रख दिया वहीं रहिए। कितना बदलते हैं, कितना देखते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे वक्ता हैं, कथाकार हैं, तो उनकी कथा जब ले लो तो उनके जो परिकर आते कहते हैं घर खाली करिए, कहाँ जाएं? ये आपका विषय है कि आप कहाँ जाएंगे, घर खाली करिए, कौन रहेगा? ले हम 22 लोग हैं, हम ही लोग रहेंगे, बस हम चले जाएंगे तो आप आइएगा। 22 दिन आप ड्राइंग के अंदर नहीं जा सकते साहब। अब हम लोगों का तो ऐसा जीवन है, जिसके घर में रहे उसी के होके रह गए। नौ दिन न उसको तनाव न अपने को तनाव, उसी में घुल जाते हैं, एकदम जल जैसा रहते हैं। हम अपने बच्चों से कहते देखो अपने को नौ दिन रहना है, इनको जीवन भर इसी में रहना है, तो आपके आने से तनाव न हो। वस्तुतः हम लोगों का जो कथाकार का जीवन होता है ना, वो बहू रानी का जीवन होता है। बहू 25 वर्ष मायके में रहती है और जब ब्याह होकर के आ जाती है तो उसी घर में अपने को एकदम समेट लेती है, उसी में पानी की तरह घुल घाल जाती है। अब इतना समेट लेती है, एक प्रश्न किया किसी बिटिया ने हमसे, महाराज जी हाँ कन्या दान हो सकता है तो लड़का दान क्यों नहीं हो सकता है? तो उसको उत्तर जो दिया वो आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, लड़का दान भी होता है कोई काहिल हो आलसी हो, हाँ परे परे जीवन चलावे, तो उसका भी दान किया जा सकता है। हर लगे न फिटकरी सुबह, हाँ
सुबह शाम तो मिलवे करी। सामान्यतः जो कर्मशील है उसका आप चाहे लड़का दान कर दो, चाहे वर दान कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, वो बैठ नहीं सकता है साहब। वो अपनी कर्मठता का दर्शन कराएगा ही कराएगा, कहीं भी रहेगा। विश्व बलि जो है वो अपनी बिना कर, 8 घंटे कड़ाई से मेहनत किए बिना वो जी नहीं सकता, वो भूखे नहीं लगेगी उसको, कुछ भी दान कर करा लो।